जी बिल्कुल, उस टाइम पे हमको एक कह सकते हैं एक अच्छी सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी के लिए कुछ अच्छी खासी लूट करते हुए प्लेयर नजर आ रहे हैं। डेडाई वॉरियर्स के लिए भी कह सकते हैं एक अच्छा जोन रहेगा जिस हिसाब का ये शिफ्ट हमको देखने को मिला है। कुछ अच्छा कह सकते हैं टाइम उनके पास रहेगा लूट करने के लिए भी, रोटेट करने के लिए भी, कुछ डिसीजन लेने के लिए भी। लेकिन अभी के लिए डेडाई वॉरियर्स का लूट कंप्लीट हो चुकी है, गाड़ी भी लेके एक प्लेयर आ चुके हैं एंड यहाँ से निकलने की शुरुआत कर दी। अब देखते हैं क्या इनका डिसीजन रहने वाला है, क्या मिलिट्री बेस को कुछ होल्ड करने के लिए जाते हैं या नोवो के ब्रिज से पूरा निकल के मेन आइलैंड की तरफ जाना चाहेंगे, क्योंकि पता है कि वो स्पॉट जो इस टाइम पे वो हॉटस्पॉट नहीं रहेगा, आराम से यहाँ पे कैसे क्लियर करके उसको निकल सकता है। लेकिन इसके बीच में T2K की टीम उम्मीदें बहुत रहने वाले इस गेम से इनकी तरफ से, क्योंकि वो जो स्पॉट है इनका उसको थोड़ा और कन्फर्म करने के लिए, उससे थोड़ा और आगे बढ़ने के लिए ये गेम इनको कुछ एक शानदार कह सकते प्रदर्शन करके दिखाना पड़ेगा। एग्जैक्टली वो परफॉर्मेंस, वो एग्रेशन यहाँ पर जरूर से आपको देखने को मिलने वाला है बहुत ही जल्द, आई होप सो। और ये देखो ना T2K, जैसा आपने कहा कि प्रदर्शन करके इस टीम को दिखाना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं हर एक फैन, हर एक एनिमी भी चलिए कहीं ना कहीं एग्री करता हुआ दिखेगा, बिकॉज DRS और उनके फैंस भी कहने के चिंतित जरूर से रहने वाले हैं कि T2K ऐसी ऐसी कुछ टीम्स है जो कि थोड़ा करीब आती जा रही है हर मैच के साथ, बट DRS अपना एक सेफ डिस्टेंस जरूर से मेंटेन करती जा रही है, उनके अपने फैंस को एक ऐसा मौका दे रही है कि हमेशा आप उनके अंदर बिलीफ रखे जाएं। सो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, हमने देखा कई सारी टीम्स ऐसी है जिन्होंने कभी कभी होप्स जरूर से हाई करे थे, फॉर एग्जाम्पल रॉ फिशर्स की आप बात कर लीजिए, मेबिटिक्स की बात कर लीजिए, कभी कभी ऐसा लगा कि ये टीम वाओ कितने अच्छे तरीके से कंसिस्टेंट है, बैक टू बैक दो चिकन निकाल चुकी है, बोथ मेबिटिक्स एंड रॉ ने ऐसा चीज़ किया था, बट अगले ही मैच में किस तरीके से वो टीम शो कर रही है ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि आप भले ही कितना भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर ले, वो दूसरी टीम्स आपको यहाँ पे प्रेशर में रखेंगे जरूर से। बट फिर भी आई डोंट नो हाउ DATX एक ऐसी टीम निकल के आती है हर एक मैच के अंदर जो कि कितना भी आप उनके ऊपर प्रेशर डाल दीजिए, बट वो अपना अगर उनको पॉइंट निकालना है दे विल बी एबल टू अटेन इट। जी बिल्कुल, उस टाइम हमको सिचुएशन देखने को मिल जाएगी एंड अभी के लिए देखते हैं क्या होने वाला है। T2 के विजेज यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है जोन के थोड़ा सा बाहर स्ट्रगल करते हुए, लेकिन इजीली जोन के अंदर भी आ जाएंगे। 9th मिनट यहाँ पे टच होने वाला है, थोड़ा सा डैमेज जरूर होगा, लेकिन DRS कुछ अच्छे एरियाज यहाँ पे होल्ड करते नजर आ रहे हैं। मैबिटेक्स जंप एंड फर्स्ट करके यहाँ पे आगे निकलते नजर आ रहे, लेकिन कोई ऐसा खिलाड़ी रहने वाला नहीं है जिससे यहाँ पे कह सकते हैं वो शांति से इनको बच के जाना हो। लेकिन डेडाई वॉरियर्स के ईस्ट वो हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, कुछ कह सकता है एक अच्छी लोकेशन यहाँ पर जोन के लिए रहेगी। लेकिन अभी के लिए 5 सेकंड बचे हैं वो आखिरी, वो जोन कह सकते हैं यहाँ पे टच होने के लिए, जरूर देखना चाहेंगे अगला जोन किधर जाने वाला है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड जिस हिसाब से हमें मैबिटेक से दूर जाते हुए नजर आ रहा है ये जोन, बहुत चांस है कि ये मिलिट्री आईलैंड की तरफ क्या जा चुका है या कुछ होने वाला है, जरूर देखना जरूर चाहेंगे उस जोन को। और आई थिंक मिलिट्री बेस की तरफ ही यहाँ पे गया है कहीं ना कहीं, आप देख सकते हैं मेबिटेक्स को एक पास फिनिश एक निकल के आ चुका है, DRS के खिलाड़ी को आई बिलीव इन्होंने कंटेंट यहाँ पे जरूर से किया है, और नहीं DRS के खिलाड़ी सारे अलाइव हैं फिलहाल, किसी और टीम को कहीं शायद यहाँ पे पनिश किया जाएगा, देखते हैं कि कौन सी वो टीम थी जिनको यहाँ पे एक फिनिश का लॉस यहाँ पे देखने को मिला है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इवेंचुअली। शायद यहाँ पे हमारे पास लाइव स्टेटस के अंदर अपडेट अभी तक नहीं हुआ है बिकॉज सील तो ऑलरेडी 3 मैन पावर ही देखने को मिली थी, आई डोंट नो विच वाज द प्लेयर जिनका फिनिश आपको मेबिटेक्स के हाथ में देखने को मिला था। और ये देखो अगर बात करें चाहे डेडा गाइस की, आपको आउट ऑफ जोन के पास यहाँ पे देखने को मिलेगी, वी हैव गॉट मलिक जो कि नेट से काफी ज्यादा पनिश होते हुए दिखेंगे, उनकी एच भी काफी कम है बट फिलहाल इतनी भी कम नहीं कि वो नॉकआउट हो जाए, सो दैट मीन्स ही इज गोइंग टू पैच हिमसेल्फ वंस अगेन और वो फाइट के अंदर वापस आते हुए दिखेंगे। बूस्टर्स का सही इस्तेमाल इन्होंने ऑलरेडी कर रखा था, इसकी बदौलत अगर कोई पुश भी करता तो शायद उनके लिए दिक्कतें बढ़ सकती थी। जी बिल्कुल, इस टाइम पे एक अच्छा कह सकते हैं वो जोन भी हमको शिफ्ट देखने को मिल जाएगा एंड डेडाई वॉरियर्स लीजिए वो शिफ्ट कह सकते हैं ना, जो मेन आईलैंड है उसका कह सकते हैं जो मेन ब्रिज रहने वाला जो जोन है उस पर एक ही टीम है, जो जोन के बाहर है ब्रिज उस पर सभी गेट कीप करने के लिए पहुंच चुके हैं, उसी को कह सकते हैं वहाँ पे डेडली जोन यहाँ पे बना दिया जाएगा एंड कुछ अच्छा यहाँ पे फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। उल्टा यहाँ पे सिचुएशन ऐसी रही है कि मेन ब्रिज से अगर कोई आते नजर आए शायद वो निकल जाए क्योंकि कवरअप करने के लिए ज्यादा टीम्स यहाँ पे नहीं रहने वाले, लेकिन उससे पहले फाइट यहाँ पे शुरू हो जाएगी हाई वोल्टेज की, सामने यहाँ पे डेडाई गाइस की टीम रहने वाले है, कुछ शॉट्स लेते नजर आएंगे पर भी नॉकआउट हुए थे एंड यहाँ पे फिनिश भी उनका साथ के साथ कंफर्म कर दिया जाएगा। हाई वोल्टेज हल्की सी मुश्किल में आते नजर जुड़ा, लेकिन टूरलव सर कुछ अच्छे हेडशॉट्स यहाँ पे उनको पड़े, कुछ अच्छा कह सकते हैं शॉट्स का शिकार होते वो खिलाड़ी भी हमको नजर आएंगे, लेकिन सिगल निकलना यहाँ से इनका भी डिसीजन हो सकता है, तो स्मोक किया जाएगा व्हीकल को, साथ के साथ यहाँ पे कुछ शॉट्स लेंगे जोकर सर के ऊपर, थोड़ा सा डैमेज देंगे उनको एंड चलिए नॉकआउट भी यहाँ पे इन्होंने कर दिया जो कि एक शानदार सिचुएशन इनके लिए रहने वाले। टूरलव सर क्रॉस करे थोड़ा सा डैमेज उनको ही पड़ेगा, लेकिन सिगल बहुत ओपन से निकलते नजर आ रहे हैं, अगर कुछ व्हीकल इनके पास था तो मेरे ख्याल से व्हीकल के साथ ही जाते हैं एंड कुछ फायदा उसका उठा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ फाइट यहाँ पे T2K भी हो चुकी है, हर एक कुछ शॉट्स लेते हैं उनको नजर आने वाला है, कुछ डैमेज बहुत ज्यादा कर दिया एंड आखिरी टीममेट संदेश उनके वो यहाँ पे फायदा उठाएंगे, वो पूरे के पूरे फिनिशेस यहाँ पे कंफर्म करेंगे एंड जो 3 प्लेयर्स इनकी टीम के नॉकआउट हुए साथ के साथ उनको रिवाइवल भी कर दिया जाएगा। T2K 4 फिनिश के साथ एक शानदार शुरुआत करते हुए देखने को मिल जाएगी।
G2K जो मस्ट नीडेड परफॉर्मेंस इनकी तरफ से रिक्वायर्ड थी वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप ऑलरेडी देख सकते हैं काफी खूबसूरत इन्होंने फाइट यहाँ पे ओवर करी है और देखते देखते G2K को वो बफर भी देखने को मिलेगा। मलिक मिड एयर पंच कर रहे थे और शायद उनको पंच पड़ गया है, वो नॉकआउट हो चुके हैं। असासिन बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग ही कैन इजीली टेक हिम ऑफ गार्ड। यहाँ पे चारी सर बहुत ही ज्यादा ओपन हैंडेड देखने को मिलेंगे, कभी भी किसी भी क्षण पर उनको टेकआउट किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह की पॉसिबिलिटी निकल के आ पाती है। वही अगर DRS की बात करें जाए देखते हैं वो जोन के अंदर किस तरीके से पहुंचते हैं। खिलाड़ी का फिनिशर उन्होंने निकाल दिया है, मेमेटिक्स की टीम को आई गेस पनिश करते हुए देखेंगे। जोन के बाहरी शिविर पे जिस तरीके से फाइट निकलते हैं इट विल बी इंटरेस्टिंग। ओ चारी सर गेट्स स्पॉटेड, चारी सर गेट्स पनिश्ड, दैट इज इंटरेस्टिंग। नाउ मूविंग अपहेड बैक एंड से आपको ऑलरेडी दो प्लेयर्स पुशिंग करते हुए देखेंगे। नीट से इनका बचना काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है, बिकॉज ऑफ गार्ड अगर पकड़े गए दैट विल बी वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर हिम। जी बिल्कुल, वो यहाँ पे कह सकते हैं बहुत एक डिफरेंट सिचुएशन हमको फिर देखने को मिल सकता है, थोड़ी मुश्किल भी यहाँ पे आ सकती है। वॉली यहाँ पे बहुत ओपन में स्पॉट हो जाएंगे, डायरेक्टली यहाँ पे नॉक किया जाएगा, फिनिश भी यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि बचाने के लिए अगर बैरन आएंगे तो वो उनके लिए खुद ही सुसाइडल डिसीजन होगा, क्योंकि उनके लिए बचना यहाँ पे पॉसिबल नहीं रहने वाला। एंड वो भी यहाँ पे कह सकते हैं फिर फिनिश हो जाएंगे, लेकिन बैरन अपना सर्वाइवल यहाँ पे एक अच्छा कैसा डिसीजन रखेंगे। लेकिन सेकंड जोन है स्टिल, यहाँ पे छह टीम्स रहने वाली जो कि जोन के बाहर इस टाइम पे जूझती हुई नजर आ रही है। लियो कुछ यहाँ पे कह सकते हैं नेट्स करेंगे वेनम लेजेंड से बचने के लिए, फाइट में यहाँ पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। मैपेटेक्स की टीम के दो ही प्लेयर है एंड दोनों प्लेयर अलग अलग जगह पे अलग अलग फाइट में एंगेज हैं, तो इनका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। प्रिवेंटिव नेट्स जब तक यहाँ पे है तब तक यहाँ पे अपने आपको सेफ्टी में रखेंगे, लेकिन रिप्सन अब यहाँ पे कह सकते हैं एंट्री का मौका उनके लिए बनेगा, TPP का फायदा लेके लियो अगर कुछ शॉट्स लेके कुछ नॉकआउट्स कर पाए तो ही कह सकते हैं वो एक अकेला ऑप्शन उनके पहुंचेगा। और इंडीड वो ऑप्शन यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लियो देखते हैं, बनवियन यहाँ पे लिया, उन्होंने काफी अच्छे तरीके से वेनम लेजेंड्स के खिलाड़ी को डाउन कर दिया है। लियो की तरफ से पूरे फ्राइक्स वहाँ पे कन्वर्ट करते हुए देखेंगे, बहुत ही बैक एंड पे जाके देखिए इनके ऊपर शॉर्ट सर्व से यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, गाड़ी के अंदर बैठ के फॉल बैक कर सकते हैं। उससे पहले हीलिंग पे जाते हुए देखेंगे फर्स्ट एड, इन्होंने यहाँ पे पैच ऑलरेडी कर दिया, बहुत ही खूबसूरती से फर्स्ट एड लगाते हुए देखिए एक और खिलाड़ी को ऑफ गार्ड पकड़ा। दिस कुड बी द मैच, बट नहीं, लियो यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। आखिरी उम्मीदवार बैरन काफी ज्यादा दूर है फिलहाल, मुझे लगता है कि यहाँ पे वेनम लेजेंड्स को भी मौका दिया जाएगा टू जस्ट बी इन द जोन। बट देन अगेन यहाँ पे एक और फाइट छिड़ती हुई दिखेगी और वो है विजिस क्लब वर्सेस G2K। एट दिस मोमेंट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम जस्ट प्रेइंग कि G2K इस फाइट को भी निकाल ले जाए। जी बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात रहेगी, अगर ऐसा होता है तो एक शानदार रहेगा जरूर। लेकिन बैरन पीछे से कवर फायर देंगे अपने टीममेट के, वहां पे बदला लेने के लिए एक शानदार नॉकआउट भी जरूर किया, टाइम वेस्ट भी यहाँ पे करवाते हुए प्लेयर्स का नजर जुड़ाएंगे जोन के बाहर, एंड एक फायदे वाला कह सकते हैं सिचुएशन के लिए रहेगा। विजिस के डोमेन यहाँ पे कीवा वाइटी को रिवाइव करने के लिए आगे बढ़ रहा है, T2K की एंट्री इतने में हो चुके, लेजेंड कुछ शॉट्स लेके आएंगे, लेकिन DRS दूसरी साइड ये टीम भी बाहर होते नजर आ रही है। DRS जल्दी बाहर हो रही है और उस गेम में अगर T2K के पॉइंट्स हासिल कर ले वो उनके लिए बेस्ट गेम यहाँ पे कह सकते हैं साबित हो सकते हैं, वो कवर अप करते हुए गैप बहुत ज्यादा नजर आ सकते हैं। कल के दिन में वो कह सकते हैं फिर और अच्छे गेम से और अच्छा फायदा उठा सकते हैं, लेकिन इसी के बीच में लेजेंड चलिए वो आगे बढ़ेंगे शॉर्ट्स लेंगे, लेकिन सेन यहाँ पे ये गलती कर देंगे एंड वो फिनिश होते भी कह सकते हैं प्लेयर हमको नजर आते हैं। थोड़ी सी मुश्किलें भी यहाँ पे कह सकते हैं बनते हुए हमको देखने को मिलेगी, कीवा वाइटी वो आगे बढ़ते नजर आएंगे लेकिन फिनिश यहाँ पे उनको कर दिया जाएगा। T2K वहां पे रिंग होकर फिनिश होते हुए हमको देखने को मिले, आठवां फिनिश यहाँ पे कह सकते हैं T2K ने अब सिक्योर कर लिया एंड एक और टीम को इस गेम से बाहर का रास्ता इन्होंने दिखा दिया है। इंडीड वापस यहाँ पे उनको मिलती हुई दिखेगी, देखिए आठ अमेजिंग फिनिशर्स निकाल चुकी है टीम, टॉप 10 के अंदर आ चुकी है। नाउ मूविंग अपहेड चैलेंजेस इनके लिए बढ़ते हुए दिखेंगे, लेकिन मजे की बात ये है कि मिलिट्री बेस का जो एरिया था वो पूरा का पूरा वेकेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, इधर से इजिली रोटेट कर सकते हैं और वहाँ पे फिलहाल वो डेड आई गाइस को चैलेंज कर सकते हैं। आई थिंक ये ड्रॉप के लिए अगर ना चाहे तो बेटर देखने को मिलेगा, प्लीज या फिर ड्रॉप लूटने के लिए खड़े हो गए तो कहने के डेड आई गाइस इनको पनिश कर देगी, बट शायद वो सिचुएशन देखने को नहीं मिली विच इज अमेजिंग। वेनम लेजेंड्स के गैंग साहब वो भी स्पॉट हो चुके हैं और लीजिए उनको भी दरअसल किया जाएगा, फिनिश ऑफ कंप्लीट यहाँ पे कर दिया गया है, दैट्स इट फॉर हिम। नाउ मूविंग अपहेड अगर DW की बात करें जाए यानी कि डेडे वॉरियर्स की, तो फिलहाल देखते हैं ये किस तरीके से जोन के अंदर पहुंचते हैं। DRS की भी बात करना चाहूंगा, आई डोंट नो किस तरीके से या फिर कहां से DRS ने रोटेट किया है, बट DRS अभी तक अलाइव देखने को जरूर से मिल रही है व्हिच इज गुड इनफ फॉर देम। मूविंग अपहेड DRS के खिलाफ IT पानी के अंदर अकेले देखने को मिलने वाले, लेजेंड कैन बी कॉट ऑफ गार्ड, लेजेंड के दिक्कतें बढ़ सकती है। लीजिए T2K ऑलरेडी पुश करने के लिए निकल चुके हैं, फिलहाल T2K यहां पे चैलेंजेस को अपने पुट फोर्थ करते हुए दिखेंगे। T2K सर्वाइव करने की कोशिश यहां पे कर रही थी बट लेजेंड को अपन नॉकआउट कर दिया गया है। नाउ डेडे गाइस कैन बी दो टीम जो कि शायद T2K के इस रैम्पेज को फिनिश ऑफ कर सकती है, कि T2K इस मोमेंट पे चिकन निकाल देती हैं सब यहाँ पे काफी कुछ देखने को मिलेंगे। बट वहीं डेड आई वॉरियर्स की बात करें जाए उनको जोन के अंदर पहुंचना है, डी ऑन टॉप सर को फिनिश ऑफ करते हुए देखेंगे, नॉकआउट करते हुए देखेंगे स्काइलेस गेमिंग के मिस्टर बोरो, यानी कि स्काइलेस गेमिंग भी कहने के काफी करीब आ चुकी है उस मुठभेड़ के।
बिल्कुल इस टाइम पे वो एक कैसे ना काफ़ी अच्छे कैसे लोकेशन पे आते हैं, हमको देखने को मिल जाएंगे, कुछ अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन लड़ाई के लिए कह सकते हैं वो ज़्यादा फायदेमंद सिचुएशन रहेगा, क्योंकि जोन का एडवांटेज यहाँ पे कह सकते हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड जोन जाने के लिए बहुत ज़्यादा इस टाइम पर रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन जोन जरूर देखना चाहेंगे एक बार अभी के लिए क्या सिचुएशन में अपना कह सकते हैं रुख बदलते हुए हमको नजर आ रहा है। एंड वो क्या फ़ायदा किसके लिए जाने वाला है, क्या ये वाटर की तरफ ज़्यादा एंगेज होते हुए हमको नजर आ रहा है, एंड पूरा का पूरा कह सकते हैं एंडिंग वो हमको यहाँ पे स्पेस वाली देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है वो बहुत ज़्यादा कैसा ना इंटरेस्टिंग साबित होते हैं हमको हमारे लिए नजर आ सकता है। लेकिन स्काईलाइट्स गेमिंग अभी के लिए तैर के आगे बढ़ते नजर आए, DRS के प्लेयर कुछ ऑलरेडी वहाँ पे रहने वाले हैं जो कि थोड़ा साबित करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे जोन के अंदर अभी भी देखने को मिलेगा जेन कुछ शानदार जिगल करेंगे, एक नॉकआउट जरूर किया, लेकिन दो प्लेयर्स है ऊपर से चढ़ के बोलेंगे हायर का कह सकते हैं हायर ग्राउंड का फायदा भी उठाएंगे उस एरिया से, एंड एक अच्छा नॉक एंड एक अच्छा फिनिश साथ के साथ वहाँ पे सिक्योर कर लेंगे। फिनिशेस नॉकआउट्स एंड ऑल ऑफ द थिंग्स आर कमिंग अप नो डाउट ऑन दैट, बट T2 के देखते हैं किस तरीके से कंटिन्यू कर पाती है इस पूरे फाइट के अंदर। संदेश यहाँ पे प्रेजेंट है, काफी डॉर्मेंट होकर खेलना पड़ेगा इस टीम को फिलहाल। जो टीम मुझे लग रहा था कहने के चिकन के लिए दावेदार बन सकती थी वो अभी काफी डिस्टर्ब फील करती हुई दिखेगी। लड़ाई गाइज यहाँ पे जरूर से काफी ज्यादा क्लोज देखने को मिलने वाली है, सो इन दोनों टीम्स के बीच में देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे गेम निकलता है, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट कैलेज गेमिंग बहुत ही जल्द पुश यहाँ पे कर सकती है। जी बिल्कुल, इस टाइम पे हमको वो देखने को मिल जाए किस हिसाब से वो पुश आते हुए नजर आता है, अगर होता है तो एक अच्छा कैसा ना एंगेजमेंट भी उस फाइट के बीच में हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी के जितनी टीम सर्वाइव करें मैन एडवांटेज इसमें से पांच टीम के पास चारों चारों प्लेयर सर्वाइव करते देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर यहाँ पे रहने वाला है। 9 टीम्स ऑलरेडी सर्वाइव कर रही है, 29 प्लेयर रहेंगे जिसमें संदेश अभी के लिए यहाँ पे क्लोज रेंज फाइट के अंदर आते हुए हमको नजर आते हैं। एक अच्छा नॉकआउट किया जरूर, लेकिन ट्रेड में खुद भी नॉकआउट हो चुके हैं। लेजेंड आखिरी प्लेयर बचे अपनी टीम के, एंड लीजिए खात्मा हो जाएगा यहाँ पे T2K का, एंड पूरी टीम 9वें स्थान पे बाहर जा चुके हैं, जबकि DRS से किलर YT अभी भी यहाँ पे सोलो सर्वाइव करके अपनी टीम को पॉइंट्स दिलवा रहे हैं। वेल इंडीड, किलर YT अभी इतनी अपनी टीम्स को पॉइंट्स दिलाने की पूरी कोशिश करते हुए दिखेंगे, फिलहाल काफी अच्छे तरीके से पानी के अंदर बैठे हैं, वाटर बॉडी में इजीली सर्वाइव करते हुए दिखेंगे, सही मौके की तलाश करेंगे। जैसे कि हमने कहा था ना गाइस, इस टीम को मौका दो, ये कभी भी अपने लिए पॉइंट्स निकालने की कोशिश करती है और कभी भी निराश नहीं करती है। हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम पे वो सिचुएशन रहेगी जरूर। अभी के लिए बात की जाए स्काईलाइट्स गेमिंग पानी के अंदर स्पॉट होते नजर आ रहे हैं, स्नाइप वाइट इंतजार कर रहे हैं कि कोई पी बाहर आए जस्ट ब्रीद करने के लिए, एंड वो एक फटका दें यहाँ पे, लेकिन फटका देने की कोशिश जरूर की लेकिन हल्का सा मिस होते हुए हमको वो नजर आया, लेकिन स्टिल कोशिश करेंगे। अभी बहुत सारा पानी का एरिया जिसको स्काईलाइट्स गेमिंग ने क्रॉस कर रहा है, जबकि HP उनकी है नहीं, ब्रीद करने के लिए ऊपर आना पड़ेगा, एंड उस चक्कर में वो थोड़ा सा एक शॉट काफी रहने वाला है जिससे एक नॉकआउट एंड एक फिनिश कंफर्म होते हैं हमको देखने को मिल जाए। उनके रिवाइवल करना हल्का सा फिर मुश्किल हो जाएगा, रिवाइव करने जाएंगे उस चक्कर में खुद भी यहाँ पे फिनिश होते नजर आ सकते हैं। लेकिन डेड आई के लिए बहुत एक शानदार कह सकते हैं एक गेम रहने वाला है, एक बहुत शानदार एरिया के ऊपर आते क्योंकि वो टीम हमको नजर आ रही है। Well, indeed, the fights are coming up. Another fight is there right now. DRC Mama को भी down यहाँ पे कर दिया जाएगा. That is massive the way they are fighting. So चलिए देख सकते हैं आप यहाँ पे DW यानी कि Dead Eye Warriors की जो squad है वो भी काफी अच्छा खासा compete करते हुए दिखेगी, no doubt on that. DRS की team अभी भी survive कर रही है, जो कि काफी अच्छा खासा मैं कहूँगा एक opportunity निकाल के ला के देगी उस particular team को. Moving up ahead यहाँ पे revival की उम्मीद थी और लीजिए revival यहाँ पे आता हुआ दिखेगा भी जरूर से. आज टीम में 25 खिलाड़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है, which is amazing. Let's see how this whole situation will be carried away. TRZ क्या push कर पाएगी देखना चाहेंगे. TRZ कहाँ लगी main game main गोल जो है मेन गेम या फिर गोल जो भी बोलिए फिलहाल यहाँ पे वो ये रहने वाला है कि वो जोन के अंदर पहले फटाफट से पहुंच जाए, वहां से आगे सेफ रह के अपना गेम आगे निकाले तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी बिल्कुल, वो यहाँ पे एक बहुत अच्छी सिचुएशन हमको देखने को फिर जरूर मिल सकते हैं, लेकिन देखते हैं किस हिसाब से यहाँ पे कह सकते हैं वो फायदा उठाते हुए हमको नजर आते हैं। अभी के लिए स्किल के कैसे कुछ अच्छे खासे एरिया पे हमको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, एंड नेड अगर यहाँ पे एक अच्छा कर पाए ज्ञान मारा की पूरी टीम मुश्किल में डाल सकते हैं। लीजिए नेड बुक भी कर रहे हैं, डैमेज ऑलरेडी उनकी टीम में देते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, एंड एक अच्छा फायदा हमको उठाते हुए देखने को मिल जाएंगे। TRZ के प्लेयर भी स्पॉट करें, DRTACS के प्लेयर की एचपी बहुत ज्यादा कम है, अगर शॉट वहाँ पे कनेक्ट हो जाता स्पॉट हो सकते थे, एंड वो फिनिश भी कंफर्म हो सकता है। लीजिए एक प्लेयर को तो स्पॉट किया जाएगा, नॉक भी यहाँ पे कर दिया जाएगा, अभी भी यहाँ पे स्टिल DRTACS के दो प्लेयर सर्वाइव करने वाला, थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं पूरी टीम को बाहर करना मुश्किल रहेगा, लेकिन TRZ स्टिल वो मैन एडवांटेज अपने कह सकते हैं इक्वलाइज करते हुए हमको देखने को मिल रही है धीरे धीरे। एक फिनिश भी निकल चुका है, एंड दो प्लेयर्स यहाँ पे कह सकते हैं ऑलरेडी जो नॉकआउट पड़े हैं उनको भी कंफर्म करने की कोशिश करने वाले हैं, लेकिन इनका भी मैन एडवांटेज कम है, तो थोड़ा सा कह सकते हैं मुश्किल अगले जोन में इनको आने वाली है। इंडीड, मुश्किलें यहाँ पे जरूर से बढ़ते हुए दिखेंगे, जैसे आपने कहा जनमारा की बात करें जाए जोन के बाहरी छोर पे यहाँ पे गनर डाउन हो चुके हैं। ये लीजिए स्काईलाइट्स गेमिंग के एज यहाँ पे करीब देखने को मिलेंगे, किलर YT के आगे सब बातचीत करने के अलावा कोई मौका बचा नहीं है फिलहाल, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से गेम इनका निकाल के आ पाता है।
जी बिल्कुल, वो यहाँ पे देखने वाली कह सकते हैं ना, बात जरूर रहेगी। एंड लेट्स सी सिचुएशन यहाँ पे क्या रहने वाली है। अभी के लिए शॉर्ट स्प्रेज इस टाइम पे हर जगह से पड़ते हुए हमको देखने को मिल रहा है। स्पॉट इस टाइम प्लेयर के द्वारा किया जाएगा। सील के कैसे यहाँ पे कुछ कह सकते हैं डैमेज लेते नजर आ रहे, ऑलरेडी यहाँ पे नॉकआउट होते हुए नजर आए हमको। एंड फिनिश इसी के साथ वहाँ पे उनका कन्फर्म हो जाएगा। डेड आई गाइस शानदार 8 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कुछ अच्छा होल्ड करते हुए स्काइलर्स की फिनिश, लेकिन डीआरएस की तरफ मैं जरूर देखना चाहूंगा। स्काइलर्स के साथ ही इस टाइम पे थोड़ा वो तैराकी लगाते हुए नजर आ रहे, लेकिन इधर एक प्लेयर जो इंतजार कर रहा है स्काइलर्स गेमिंग के, इंतजार उनका भी रहेगा वो फाइट्स को कैसे कंफर्म करने के। लेकिन डेड आई गाइस 10 फिनिश के साथ एक शानदार जो लीड इस गेम ने बना रखी है, तो उसी के साथ साथ डेड आई वॉरियर्स के पास भी 10 फिनिश जरूर रहेंगे, लेकिन उनके पास प्लेयर एडवांटेज नहीं है जिससे वो चिकन की तरफ कह सकते आगे बढ़ पाए। Well indeed, ये सिचुएशंस काफी क्रिटिकल निकल के आते हुए दिखेगी। किलर वाईटी स्पॉट हुए और लीजिए फाइनली किलर वाईटी को टेक डाउन कर लिया जाएगा। ये मैच लग रहा है टीम डेड आई गाइस अपने नाम करने के लिए आई थी और कहने के इस चीज को करके जाएगी। स्काइलर्स गेमिंग के खिलाड़ी जरूर से सामने हैं प्रेजेंट। चलिए देखते हैं किस तरीके से गेम इनका निकलता है। फिलहाल लेट्स सी व्हाट हैपेंस इवेंचुअली, हाउ मच मोर ऑफ अ गेम प्ले और लेट्स से क्लैश यहाँ पे अभी डिलीवर देखने को मिलने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीर का थ्रोबल किया जाएगा, नीमा नॉकआउट हो सकते हैं। लीजिए नॉकआउट किया भी गया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। डेड आई गाइस यहाँ पे पॉइंट्स निकालते हुए देखेंगे। नीमा को कम्प्लीटली फिनिश ऑफ कर दिया गया, विच इज स्वीट। ऑन दी कौन चारी सर की बात कर जाए, वो जानते हैं हर एक छोटे बड़े लोकेशन को। इस समय टीम डेड आई गाइस जितनी ज्यादा घातक देखने को मिल रही है, कोई भी टीम इनके सामने स्टैंड करने की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी रख नहीं पा रही। आप देखिए जहां इनको एंगल मिल रहा है वहां से पिक्स निकाल रहे हैं। नोबडी इज गेटिंग स्केप्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टीम। 6 टीमें यहाँ पे देखने को मिल रही है और लगातार ये पॉइंट्स निकाल रहे हैं। बिल्कुल, वो तो यहाँ पे कैसे देखने वाली बात जरूर रहेगी। अभी के लिए मिस्टर बोलो यहाँ पे उनको भी नॉकआउट कर देगा। स्काइलर्स गेमिंग भी हल्की सी मुश्किलों में जाते नजर आ रहे हैं क्योंकि डेड आई गाइस पूरे फॉर्म में रहने वाली है ये टीम। 13 फिनिश निकाल चुके ऑलरेडी और फिनिशेस निकालते ही जा रहे हैं एंड रुकने का नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन कुछ अच्छे खासे एंगल्स पे इस टाइम पे चढ़ के बैठे, लेकिन लीजिए ऑन टॉप सर एजे को भी स्पॉट कर लेंगे। एजे को भी नॉक कर जा चुके डी। अभी के लिए तो बिल्कुल भी ये टीम यहाँ पे रुकने वाली नहीं है और स्पॉट करने वाले। लेकिन टीआरसी के प्लेयर खुद ही गिर के नॉकआउट होते हमको नजर आ जाए, खुद ही वहां पे कह सकते हैं गेम उनका खराब होते हमको देखने को मिल जाएगा। डीए ट्रैक्स इसी के बीच पे नेट्स करके वो फिनिशेस सिक्योर करने वाले यहाँ पे बिल्कुल खड़े होकर कह सकते हैं, जबकि वेपन से फिनिश कर सकते हैं। रिस्क लेना नहीं चाहेंगे, पोजिशन अपने रिवेल नहीं यहाँ पे करना चाहेंगे एंड उसका कह सकते हैं उनको आने वाले टाइम में फायदा भी जरूर होने वाला है। लेकिन चिकन के लिए एक ही टीम है जो वन साइड पूरा आगे बढ़ते हुए उस टाइम पे नजर आ रही है। अभी के लिए ओवरऑल वैसे 5 टीम सर्वाइव करिए, 9 प्लेयर्स हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। माफिया निंजा ये सोलो खिलाड़ी क्या सील को स्पॉट कर चुके हैं, बिल्कुल स्पॉट कर चुके हैं, लेकिन सील ने भी इनको स्पॉट कर लिया एंड अब इनके लिए आगे बढ़ना ये मुश्किल रहेगा। ऑन टॉप सर जरा पीछे भी ध्यान दीजिए, एक फिनिश और यहाँ पे आपके लिए कह सकते हैं वो इंतजार कर रहा है। लेकिन माफिया निंजा लगा था कि जस्ट उनको लैंड मिले एंड स्प्रे ले सकते हैं, लेकिन हल्का सा लेट हो गए वहां पे चढ़ने में एंड वहां पे खात्मा उनका भी डेड आई गाइस की तरफ से होते नजर आ जाएगा। लेकिन स्पाइक एक्स स्पॉट हो चुके हैं। टीआरसी स्पोर्ट्स के प्लेयर एटॉमिक नेट्स बैक टू बैक उनके ऊपर बाउंस करवाते नजर आ, स्प्लैश डैमेज भी शानदार तरीके से बढ़ जाएगा। डेड आई गाइस चाहते हैं कि ये फिनिश भी वही लेके जाएं, शॉट्स पीछे से लेते हुए हमको नजर आ रहे हैं। एटॉमिक की एच भी बहुत ज्यादा लो जरूर की गई है, लेकिन स्पाइक एक्स का फिनिश एटॉमिक के लेके जाते नजर आएंगे। लेकिन अभी के लिए एटॉमिक के लिए जिम्मेदारी वन मोर की रहने वाली है, जो कि पूरा करना बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा क्योंकि डेड आई गाइस पूरे फॉर्म में चल रहे हैं इस गेम में। 19 फिनिश निकाल चुकी है एंड ये रिकॉर्ड जो कल बना था उसको ये भी टच करते हुए हमको देखने को मिल जाएंगे। Exactly my point. रिकॉर्ड यहाँ पे जरूर से टच कर लिया जाएगा। अगर एटॉमिक चाहे तो ये रिकॉर्ड टच नहीं कर सकते, बिकॉज एक नीड एक मॉली अगर खुद पे कर ले तो बात अलग हो जाती है फिलहाल। बट फिलहाल यहाँ पे ऑन टॉप सर को नॉकआउट कर दिया गया, फिनिश ऑफ करने की पूरी कोशिश। मजे की बात ये होने वाली है कि टीम काफी ज्यादा दूर है एक्चुअली। टीआरसी एटॉमिक काफी ज्यादा दूर देखने को मिल रहा है और जोन के बाहरी शिविर पे देखने को मिल रहा है, तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे डेड आई गाइस को उस तरह की सिचुएशन यहाँ पे रखनी चाहिए। फाइनली देखिए डेड आई गाइस के पास एक मैच यहाँ पे आ चुका है, अपने नाम कर चुके हैं।